नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौहान, आप देख रहे हैं पवन पुरवैया न्यूज। आज मौजूद हूँ आजमगढ़ के नवरसिया ग्राम सभा में, जहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रभारी मेहनगर हमारे बीच राम दहीन पासवान है। हम उनसे बातचीत करेंगे आज जो बैठक है उस पर। देखिए, मेहनगर विधानसभा का नवरसिया ग्राम सभा है जो तरवा ब्लॉक में आता है, और संगठन की ये मासिक बैठक थी विधानसभा मेहनगर। तो इसका खास मकसद क्या है? मकसद है पत्रकार साथी संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर पे कमेटी का गठन करना। ये हम लोगों का प्रथम बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो गांव-गांव में बैठकें चल रही है कि कहां चल रही है? नहीं, पूरे प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से मासिक बैठक हो रही है। किस मुद्दे पे आप लड़ेंगे जो सरकार बनाएंगे? देखिए, मुद्दा तो साफ साफ है। ये लोग कहे थे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन ये जो प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ जो है कि किसान कहीं परेशान हो रहा है, कहीं व्यापारी परेशान हो रहा है, कहीं जो विद्यार्थी परेशान है, हर जगह ये व्यक्ति को मुफलिसी की अंतिम कतार में ये खड़ा कर दिए सरकार। जो 65 रुपया का पेट्रोल और डीजल मिला करता था, 90 रुपया पर चला गया डीजल और 98 रुपया पर पेट्रोल चला गया। महंगाई की वो मार है साथी कि सरसों तेल 200 रुपया प्रति किलो बिक रहा है और प्याज 30 से 40 रुपये मार्केट में हो गया है। गरीब आखिर जाएगा कहाँ? जो अरहर की दाल है जो 80 रुपया बिका करती थी, वो 150-200 पर चली गई है। ये महंगाई को एकदम बेकाबू इन लोगों ने कर दिया है, कोई रोजगार नहीं किया है, किसान कहीं परेशान हो रहा है। ये जो है कि इनके पास कोई नीति नहीं है।